दोस्तों, महिलाएं किसी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। उन्हें भी उतने ही ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है जितनी कि परिवार के बाकी सदस्यों को होती है। हेल्दी डाइट और व्यायाम के साथ साथ महिलाएं कुछ वास्तु टिप्स भी फॉलो कर सकती है। कई बार घर के वास्तु दोष के कारण महिलाएं अस्वस्थ रहती है। घर की महिलाओं का अचानक बीमार पड़ना चिंता का कारण बन जाता है। इसके पीछे घर के वास्तु दोष भी हो सकते हैं। ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स हैं जो इन दोषों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। आइए जानते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए महिलाओं को किन किन वास्तु टिप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मेन एंट्री गेट का डिजाइन। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर का मेन एंट्री गेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए एंट्री गेट सहित सभी दरवाजे अंदर की ओर खुलने चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में मेन एंट्री गेट घर में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस दिशा में एंट्री गेट का निर्माण ही न करें। इसके बाद है पूजा घर कहाँ होना चाहिए। हर घर में पूजा का स्थान बहुत महत्व रखता है और इसलिए घर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें कि पूजा का स्थान सही दिशा में है या नहीं है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय अपना चेहरा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रख लें। गर्भवती महिलाओं को भी सोने के लिए बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस दिशा में उन्हें सोना चाहिए और किस दिशा में नहीं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस स्थिति में सो रही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिलाओं को कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में सोने से माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर सही प्रभाव पड़ता है, और अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो दोनों पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद है पीने के पानी की बात करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि गलत दिशा में पानी पीने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी पीते समय आपका मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में कभी भी पानी का टैंक या पानी से भरी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। इसका बुरा प्रभाव घर की महिलाओं की सेहत पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।